أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني वदीद ने علمه आमीन या رب आज हम इंशाल्लाह अल्लाह के खास फज्लु करम से उसकी तौफीक से सूरह अतौबा की आयत नंबर 7 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे देखेंगे इंशाल्लाह हम उसके उसके हम उसकी हमद और उसके शुक्र के साथ शुरू करते हैं जिसने हमें हिम्मत और तोफ़ी दी और जिसने हमारे दिलों में एक एहसान किया और हमारे दिलों में ये डाला कि हम अपने दिन का आगाज़ उसके बाबरकत कलाम से करें और कुछ समझने की उसके कलाम को समझने की और उससे कुछ हदायत हासिल करने की कोशिश करें इस दुआ के साथ कि अल्लाह तला हमें इसमें कामयाबी नसीब फरमाए और इसका फ़ायदा हमें दुनिया और आखरत में हमें अता फरमाए और ख़ास कर आखरत में उन कामयाब लोगों में शुमार फरमाए जिनको अल्लाह ताला कुरान मजीद में फलाह पाने वाले या कामयाब लोग कहते हैं आमीन जयरबल सूरत तौबा हमने शुरू की थी अपने पिछले मजलिस में और उसके तारफ़ के बाद उसकी पहली छः आयात जो हैं वो भी हमने देखी थी और जैसा कि मौजू के अतबार से और उसलूब केतबार से सूरत तोबा जो है वो ऐसी सूर है जो बसमल्ला के बग़ैर जिसके शुरू में है नहीं नहीं लिखा जाता या नहीं पढ़ा जाता तो जैसा कि उसके शुरू में ही अल्लाह ताला ने एक बारात का ऐलान किया मशरकों से और उन मशरकों से जिन्होंने अपने वादों की अहद की पासदारी नहीं की उनके ख़िलाफ़ खुलेआम एक ऐलान जंग या तबले जंग वजात दिया गया और खुलेआम उनको एक वार्निंग दे दी गई कि क्योंकि आप मुसलमान जो है कुवत बन चुके हैं उनकी कुवत और उनकी ताकत एक मसलमा हकीकत है और अल्लाह का निज़ाम जो है वही सबसे ज़्यादा हकदार है कि उसका निज़ाम जो है वो कायम किया जाए तो इसलिए अब मशरकों को चार महीने की मोहलत दी गई कि इन चार महीनों में वो या तो इस्लाम को भूल कर लें सोच समझ कर नहीं तो वो इस इलाके को इस मुल्क को छोड़ जाए तीसरी सूरत में फिर वो जंग के लिए तैयार रह जाएं और फिर हमने ये भी देखा कि ये आयत जो हैं शुरू की आयत वो दस यानी जुल्हिजा सन नौ हिजरी में नाजल हुई शुरू के दिनों में जब हजरत अबूबकर सदीक रजील तुकर ने भेज दिया था हज़्ज़ाज का हज के काफिले का अमीर बनाकर तो बाद में ये आयात हुई तो फिर हज़रत अली हज़रतली को नबी कम वसल्लम ने भेजा के जाओ काफ़िले में शामिल हो जाओ और हज अकबर के दिन यानी दस जुल्हिजा को 9 हिजरी ये ऐलान जो है ये कर दो कि अल्लाह ताला और उसके रसूल अलैहि वसल्लम जो है वो मशरकों से बरात का ऐलान करते हैं और फिर तुम्हें चार महीने दिए जाते हैं इन चार महीनों में तुम अपनी इसलाह कर लो तोबा करके इस्लाम कबूल करके या तो इस्लाम की फौज में दाखिल हो जाओ या मुल्क बदर हो जाओ मुल्क को छोड़ दो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ और फिर उसमें उन मुशरकों को रियायत दी गई जिन्होंने अपने वादों की पासदारी की थी क्योंकि हमने देखा था कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे मशरक ऐसे थे जिन्होंने हर वक्त जहाँ पर उनको मौका मिला उन्होंने जो भी अपने वादे किए चाहे वो सलाह देविया से पहले मुख्तलिफ शक्लों में या मुख्तलिफ कौमों के साथ मुख्तलिफ कबीलों के साथ हुए या सुलह देविया के बाद उन्होंने बहुत सारे मामल ऐसे किए लेकिन कुछ लोग ऐसे थे मक् तक जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई इकदाम नहीं किए थे जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई उनके यानी उनके उनके जो वादे थे उनको उन्होंने पूरा किया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई इकदाम नहीं किए तो उनको वहाँ पर रियायत दी गई और अल्लाह ताला ने कहा कि क्योंकि अल्लाह ताला मुद्कियों को पसंद करता है और वादा निभाना जो है वो एक इंहाई अहम रुकन है हमारे दिन का तो इसलिए उनके लिए कहा गया कि वो अपने वादों को जब तक वो अपने वादों पर कायम है और अपने वादे निभा रहे हैं तब तक तुम भी उनके साथ वादे निभाओ और इनके वादे भी उनके मुकर्रर मुद्दत जो है तब तक रहेंगे उन उस मुद्दत के ख़त्म हो जाने के बाद उनके लिए भी इसी तरह का मामला जो है वो होगा तो यही आयात थी और इसके अलावा एक अहम आयत थी कि ये चार महीने गुजरने के बाद फिर एक आम जिहाद का या आम जंग का ऐलान किया के चार महीने गुजरने के बाद फिर उनको जहाँ कहीं भी पाओ फिर उनको इस सरजमीन में कोई जगह नसीब नहीं फिर उनके कोई हक नहीं कि वो इस मक्का की पाक सरजमीन में अपने नापाक अकायद के साथ और नापाक अपने मामल के साथ रहें तो फिर उनके साथ खुलकर जंग करने का ऐलान है चाहे वो जहाँ कहीं भी तुम उनको पाओ तो उनको कत्ल करो या उनको गिरफ्तार कर लो हाँ अगर उनको इनमें उन से कोई पनाह मांगना चाहे तो फिर उसको ज़रूर पनाह दो उसको अल्लाह ताला यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला का कलाम सुन लें और उनको उनको महफूज मुक़ाम पर भी अपने मुकाम पर भी पहुंचाओ फिर उनके साथ जो पनाह का तलबगार हो उसके साथ फिर जंग का मामला जो है वो नहीं कर सकते हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग जो है वो मुसलमान हो जाए मोमिन हो जाए तोबा कर ले और फिर तोबा के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ा अल्लाह ताला ने कि अगर उनमें से कोई तोबा कर ले और ईमान लाने के बाद नमाज कायम करे और ज़क़ात अदा करता रहे तो फिर उसके लिए तो फिर वो तुम्हारा भाई है फिर उसके लिए आसानी वाले मामला हैं फिर अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और, और रहीम है अब हम बढ़ते हैं आगे आज नंबर सात से अगरचे अक्सर जो है बल्कि ज्यादातर तफासिर में पिछली जो आयात हैं उन्हीं की कंटिन है यानी कि नौ हिजरी में जब ये आयात नाजुल हुई तो उससे उस वक्त जब नबी के सल्लम को सॉरी हज़रतली को भेजा गया तो पहले जो आयात आई हैं उन्हीं की तफसील या उन्हीं को फर्दर जस्टिफिकेशन है कि क्यों ऐसा अल्लाह सख्त बारात का इजहार किया और क्यों इतने सख्त इकदाम करने का अल्लाह ताला ने कहा एक उसकी रीज़न या उसकी तवजीत तो हैं कि क्या वजूहत थी या मुशर्क क्या वतीरा था लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने इसको रिलेट किया है कि ये आयात जो है रुकू आय नंबर सात से आगे जो एक रुकू है ये सुलह देविए के बाद और फ़तेह मक्का से पहले का है कि उसमें फिर कुछ बातें तरगीब दिलाने के लिए जिहाद के लिए मुसलमानों के लिए ममिनों के लिए आयात जो है नाज़िल की गई कि उनको उभारा जाए कि मशरकिन का वतिया या मशरकिन मक् जो है उनका कुछ अमल इस तरह से है जिस जिन जिन कि जिस सूरत में अब ये नागजीर है और इसके अलावा कोई और चारा नहीं कि उनके ख़िलाफ़ खुलकर अब मैदान जंग में जिहाद किया जाए बहरहाल ये हजरत इसरार अहमद है जो हैं डॉक्टर इसरार अहमद उनकी एक तोज़ी है आ, लेकिन ज्यादातर जो ज़्यादातरमा उन्होंने ये पिछली ही आयात की एक्सप्लेनेशन या उसकी वजाहत है उसका जिक्र किया है बहरहाल जैसा भी मामला है इससे हमें यह जस्टिफिकेशन ज़रूर मिलेगी एक भी आयात में कि अल्लाह ताला ने इतने सख्त अल्फाज में क्यों इस शुरह मुबारक को शुरू किया और शुरू में कहा बरात का ऐलान किया और फिर खुल आम जंग का ऐलान कर दिया उसकी एक रीज़न तो हमने पिछली मजलिस में थोड़ी सी देखी हुई थी कि मुसलमान क्योंकि अब ताकत में आ गए हैं और अल्लाह का ही हक है कि उसके दिन को नाफज किया जाए और फिर मुसलमानों के साथ जिस तरह के मामला उन्होंने किए हैं पिछले सत्रह अठारह सत्रह अठारह सालों में उन सब के नतीजे में अब उनको भी कुछ मजाक चखना चाहिए कुछ सख्तीयों का या कुछ ऐसे मामला का और अल्लाह तो अल्लाह का दीन तो बरहक है उसकी ही पासदारी की जानी चाहिए और यकीनन ये उनकी भलाई के लिए ही है कि वो अल्लाह के दिन को कबूल करें मो लाएं और आखिरत में जन्नत के हक ठहरें। ठहें आज नंबर सात से शुरू करते हैं कई दिलमशरक कैसे हो सकता है मशरकों के लिए अहद उन कोई अहद या कोई वादा व वाह रसूल ही अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई वादा कैसे हो सकता है मशरकों के लिए मगर मासवाय उन लोगों के हराम जिन मस्जिद हराम के मस्जिद हराम, हराम, हराम के पास मस्जिद हराम के पास जिनसे वादा किया था उन लोगों या उन ग्रोहों के सिवा उन लोगों के अलावा दूसरे जो मशरक़े हैं उन मशरकिन के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु स्यले अलैहि वसल्लम के नजदीक कैसे हो सकता है यानी ये कैसे हो सकता है कि उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने अपने वादों की पासदारी की जो अपने वादों पर कायम रहे उन लोगों को छोड़कर बाकी जो मुशरिक लोग हैं जिन्होंने हर मुकाम पर हर हर मामले में हर मौके पर जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इकदाम किए माह होने के बावजूद उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल जो हैं वो अपने वादे को अः कायम रखें अल्लाह और उसके रसूल का वादा यानी एक तरफ तो अल्लाह और उसके रसूल जो है वो अपने वादे पर कायम रहे और दूसरी तरफ वो मुशरिकीन जो है वो खुलेआम अपने वादे की खिलाफ वर्जी करते रहें तो ऐसी सूरत में ये कहा गया कि ये कैसे मुमकिन है कि ये क्यों हो सकता है ये कैसे हो सकता है कि एक पार्टी जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो अपने वादों की पासदारी करते रहे हैं। और दूसरी पार्टी जो मुशरकिन की है वो खुलेआम धनसुनाते फिरें और मुसलमानों के खिलाफ आपके अपने इकदाम करें तो ऐसी सूरत में जैसे पिछली आयात में है कि ऐसी सूरत में फिर उनका वादा उनके मुँह के ऊपर दे मारो खुलेआम अब बल्कि चार महीने का जो अल्टीमेटम दिया गया वो इस यही है कि जो वादे पहले किए थे जो अहद थे जो जोहदे थे अब जिन्होंने उन माहों को तोड़ा है उनके लिए खुले तौर पर ऐलाना जंग है तो उसकी वजह यही है कि ये कैसे हो सकता है कि वो मुशरक जो है खुले आम दिनते फिर रहे मुसलमानों के खिलाफ इकदाम करते हुए अपने माहदे होने के बावजूद अब अल्लाह और उसके रसूल जो है उनके लिए भी ये नहीं कि वो उन वादों की पासदारी करें लिहाजा उन वादों को झटक कर छोड़ कर खुलेआम जो है इजहार कर देना चाहिए हाँ उसमें वो लोग मुस्तना हैं जिनके साथ मुहिदा हुआ था और जिन्होंने अपने मुहिदों की पासदारी की जिन्होंने अपने वादों को पूरा किया और मुसलमानों के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं किया तो तुम सब सीधे तो जब तक वो सीधे रहें तो जब तक वो सीधे रहें लकम तुम्हारे लिए फस्तकीम तो तुम भी सीधे रहो उनके लिए जब तक वो अपने वादों की पासदारी करते रहें तुम भी अपने वादों की उनके लिए पासदारी करते रहो यानी जब तक उनका वादा कायम है उनका अहद का पीरियड जो है एग्रीमेंट या जो मुआहदा हुआ उसका पीरियड जो है उस वक्त तक अगर वो अपने वादे पर कायम है तो तुम भी अपने वादे पर उनके लिए कायम रहो इन तकवा तकवायार करने वालों को पसंद करता है मोहब्बत करता है उन लोगों से जो सही मानो में अल्लाह का तकवा अख्तियार करते हैं कई ये कैसे मुमकिन है वह इन और इस हाल में कि अगर यज हरू वो सब गालिब जो जा आ जाए जा अलैकुम तुम पर ला या रकूबू नहीं वो सब ख्याल करेंगे फिर तुम्हारे बारे में ही किसी रिश्तेदारी का और ना ही किसी वादे का या अहद का ये कैसे मुमकिन है इस हाल में कि अगर वो सब गालब आ जाए कि वो वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे किसी रिश्तेदारी की वजह से या किसी वादे की वजह से ये उनका एक एक वतीरा बताया गया जो पिछले तकरीबन सत्रह सालों में अठारह उन्नीस सालों में बल्कि और खासकर कर हजरत मदीना जो है उसके बाद भी और फिर उसमें मजीद इजाफी तौर पर सुलहदेबिया के बाद जिस तरह से मुशरकिन ने अपना किरदार निभाया और किस तरह से उनके अमल जो है उनका उनके किरदार जो है वो खुलकर सामने आए उसको नजर नजर कर रखकर अगर देखा जाए तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर उनको अगर उनके ऊपर को उनको गलब उनको गलबा मिल जाए अगर वो सब गालब आ जाए तो फिर वो तुम्हारी रिश्तेदारी का और तुम्हारे किसी वादे का कोई ख्याल नहीं रखेंगे यानी अगर अब तो वो क्योंकि थोड़े से कमजोर हो चुके हैं और थोड़े से अब उनको पता चल गया इस्लाम की ताकत जो है वो बढ़ती जा रही है अगर उससे पहले देखो तो जब वो गलबे में थे तो किस तरह से तुम्हारे ऊपर जुल्म किया करते थे और किसी के वादे का पास नहीं रखते थे तो आज जब मुसलमानों के पास ताकत आ चुकी है और गा, गा, गाहे बगाहे कुछ लोग जो है वो अपनी हिफाजत के लिए रबते भी करते थे मुसलमानों के ग्रोहों से या नबी की वसल् से डॉक्टर इसरार साहब ने इस, इसके बैकग्राउंड में या इन आयात की बैकग्राउंड में सुलह देबिया जब ख़त्म हुई सुलह उदिया का माह जब ख़त्म हो गया मुश्रकी, वो मशरकिन की ही बदाही की वजह से हुआ था तो अब उनमें ये एक बेचैनी ज़रूर थी मक् के मशरकों में कि अब मुसलमान ताकत में आ गए हैं किसी भी वक्त अगर उन्होंने कोई बड़ा इकदाम कर लिया तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो उन्होंने हज़रत अबू सुफियान जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे वो वो मदीना आए वो मदीना है सुलह का सुह की आ, मतलब पेशकदी करते हुए या की सुहा करते हुए कि ये मुआहिदा जो है इसको दोबारा से बहाल कर दिया जाए तो यानी कह लोगों माफी माफी नामे के साथ सुलह करने के लिए कि चलो जो हो गया उसको अब आ, माफ कर दें और दोबारा से सुलह कर लें लेकिन जब वो आए अः मदीना में तो उनको भी कोई खातर खा नहीं मिला नतीजा नहीं अखज हो सका उनका और वो सुला वाला मामला नहीं चल सका तो इस तरह से कुछ और भी मामला में कुछ छोटे छोटे ग्रोह या इस तरह की कोशिशें होती रही मशरूकों की तरफ से कि किसी तरह से ये सुलह जो है वो हो जाए या या वो मुसलमानों के साथ कुछ इस तरह से माहदे और कर लें कि अमन अमान जो है बरकरार रहे या वो कम अज़ कम उनका कबीला जो है वो महफूज रहे या इस तरह के होते रहे तो ये उसकी वजह ये थी कि अब क्योंकि मुसलमान ताकत में आ चुके थे और उनको अंदाजा था कि अब मुसलमान जो है वो एक कोई कमज़ोर सी कमज़ोर का ग्रोह नहीं है बल्कि अब ये इतनी ताकत पकड़ चुका है कि अगर इन्होंने कोई हमला कर दिया या इस तरह के कोई इकदाम कर दिए तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी तो इस तरह से इन हालात में है अल्लाह तला कह रहे हैं कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब तो वो क्योंकि अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं तो तुम्हारी तरफ सुलह की सु पैगाम भी बेचते हैं जबकि अगर पिछले दौर के हिसाब से देखा जाए कि अगर वो गलबे में आ जाए अगर वो थोड़ा सा ताकत में आ जाए और अगर वो तुम पर किसी तौर पर गलबा जाए तो उनका उनका किरदार या उनका वतीरा तो ये है कि वो ना ही तुम्हारे लिए किसी रिश्तेदारी का ख्याल रखेंगे और ना ही किसी वादे का ना ही वो ये ख्याल रखते हैं कि कोई रिश्तेदार है या ना ही कोई वादे की पासदारी करते हैं बल्कि वो तो इस्लाम के खिलाफ होने की वजह से कोई भी उनके सामने है उसके खिलाफ वो इकदाम करते रहते हैं वो खुश करते हैं से। वो जबानी बातों से। अपने मुंह से यानी तुम्हें खुश, खुश करते हैं। या जबानी, जबानी करने की कोशिश करते हैं या तुम्हारी चापलूसी करते रहते हैं वह ताबाक हालांकि वो इनकार करते हैं उनके दिल हालांकि और इनकार करते हैं उनके दिल हालांकि उनके दिल जो है वो अभी भी इनकारी हैं ज़ाहरी तौर पर कलाम से या खुश खुशी से या अल्फाज से ही वो मुंह से ही वो तो तुम्हें खुश करने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई मुआदा जो है वो दोबारा से कोई सुलह हो जाए लेकिन दिल में उनके इनकार ही है दिल में अभी भी उनके वही गमराही और वही बिगाड़ मौजूद है वह अक्सर हम फाश्यून और उनमें से अक्सर जो है वो नाफ़रमानी करते हैं फिस्क नाफरमानी यानी अक्सर जो है वो वो तुम्हारे खिलाफ चालें ही करते हैं और तुम और अमनो अमान को बिगाड़ पैदा करने वाली नाफरमानियां ही करते हैं उस अक्सर उनमें से नाफरमान ही है इस तरह बी आयात समन कलीला उन सब ने बेच डाला इस तरह उन सब ने बेच डाला बि आयात अल्लाह ताला की आयात को या अल्लाह की आयत के साथ सामन कलीलन थोड़ी सी कीमत या थोड़ा सा दुनियावी फायदा फू फ तो फिर उन सब ने रोका उन लोगों को अन छबीली ही उसके रास्ते से उन्होंने अल्लाह की आयत को थोड़ी सी कीमत के एवज़ बेच डाला और ना सिर्फ आयत को अल्लाह की आयत को बेच डाला बल्कि उनको उनसे उनके जरिए लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका भी अब ये कुछ इसमें आ जाता है कुछ नुमा या कुछ तफासिर में एक पॉइंट ये भी है कि ये मुनाफिकों की तरफ या अहले किताब की तरफ इशारा है अहले किताब यहूदियों और इसाइयों या खासकर यहूदियों की तरफ कि उन्हीं के बारे में बार बार आया है पिछली आयात में या पिछली सूरतों में हमने भी पढ़ा भी कि उन्होंने मतलब अल्लाह के कलाम को अल्लाह की आयात को अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए बेच दिया उसमें वो किस तरह से मतलब तब्दीली करते थे या छुपाते थे उन आयात को लेकिन इस ता, इन तफासिल में क्योंकि मुशरकिन का जिक्र हो जा हो रहा है तो उस कंटेक्ट में भी इसकी ट्रांसलेशन को समझने में मदद मिल सकती है कि अब क्योंकि उनके सामने अल्लाह की आयात खुलकर वाजे होकर सामने आ चुकी हक और बातल वो भी खुलकर सामने आ चुका कुछ जंगे भी हो चुकी जिसमें उन्होंने मुसलमानों की ताकत जो है उसका भी नज़ारा कर लिया और उनको ये भी बड़े खुले तौर पर पता चल गया है कि अल्लाह की आयात जो आ रही है की में, या नबी की ऊपर जो वही आती है और उनके उनके अकवाल और अफआल जो है उनकी सूरत में जो कुछ अल्लाह तला की निशानियाँ सामने आ चुकी वही हक हैं उसके बावजूद ये सारा कुछ वाजे होने के बावजूद उन्होंने उसको बेच डाला उन्होंने अपने दुनियावी फायदे के लिए दुनिया के शोहरत और इज्जत और दौलत को कायम रखने के लिए या अपने अपने मामला को उसी तरह से चलते रहने के लिए उन्होंने उस हक को जैसे पुष डालते हुए दुनिया के बदला दुनिया की जो थोड़ी सी कीमत है वो वसूल कर ली दुनिया के खुशनुदी या दुनिया के रोनाइयाँ जो है उन्होंने दुनिया के अट्रैक्शन में वो खोए रहे तो हक और सच उनके ऊपर वादे होने के बावजूद अल्लाह की आयात वादे होने के बावजूद, हक को खरीद लिया गुमराही को अपना लिया फसुदू और ना सिर्फ उन्होंने इतना किया फसुदील ही दूसरों को भी ना सिर्फ वो खुद रुके बल्कि वो दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं रोका उन्होंने दूसरों को भी ना वो ना सिर्फ वो खुद गुमराही का रास्ता पकड़ा बल्कि दूसरों को भी उसी रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं इन नाम या अमल उन बेशक बुरा है वो अमल जो वो कर रहे हैं वो काम वो वो अमल जो वो कर रहे हैं बेशक वो बहुत ही बुरा अमल है हमें भी इस आयत से कुछ नसीहत मिलती है कि आ, हक और सच जो है वाजे होने के बावजूद अल्लाह के अहकाम को खुलकर हमारे जहनों में हमारे सामने आने के बावजूद और जब अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत और तोफीक दी है कि हम उसकी आयत को समझ भी सकें और उसको सम उसको समझ कर तो उसकी गहराइयाँ जो हैं उसका भी अंदाज़ा हो जो उसके बावजूद उसको पछपुश पाठ डालकर दुनिया के मामला में खो जाना और उसी के मामला को दुनिया के ही मामल में ज़्यादा तोज्जो देना इस आयत से ये भी हमें इशारा मिल जाता है तो हमें चाहिए कि हम भी इससे मतलब सबक हासिल करें क्योंकि अल्लाह ताला ने यह आयत हमारे लिए हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल की है ना कि सिर्फ नावल की तरह और स्टोरी की तरह और किसी कहानी की तरह पढ़ लेने के लिए ला यारबू नही वो सब ख्याल करते किसी के बारे में इल्ला किसी रिश्तेदारी का और ना ही किसी वादे का अब वो मुशर जो है वो किसी रिश्तेदारी या किसी वादे का कोई पास नहीं करते कोई ख्याल नहीं रखते व उलाए का हम वो, वो और वही लोग हैं जो हद से तजावज करने वाले हैं ये पहले भी पिछली आयत का दोबारा ये बार बार इसीलिए तकरीबन वही अल्फाज या वही जो मौजू है उसको दोहराया जा रहा है ताकि एक अंदाजा हो सके कि किस तरह से उनका किरदार है जो मुसलमानों को या मोमिनों को अगर उसका नहीं इधराको उन्होंने अपने पिछले सारे सत्रह अठारह उन्नीस साल में उसका मुशाह करते हुए भी अगर उनको उस सही तरह से नहीं पहचाना तो अल्लाह तला कह रहे हैं जरा कर उनका किरदार जो है वो सामने आ जाए और मोमिन जो है वो खुल कर पहचान लेके उनका किरदार कैसा है और उनके इस किरदार की वजह से और पिछले सत्रह अठारह साल का उन्नीस साल का उनका जो किरदार रहा है या वतीरा रहा है उसको सामने रखते हुए क्यूँ ना अल्लाह तला उनसे उनके खिलाफ का इजहार करें और उनके खिलाफ जो है वो क्यों तो वो अगरदारी वो तो कि किसी किसी वादे का पास रखते हैं और ये हद से तजावज करने वाले हैं फाइनताबू हाँ अगर तोबा का दरवाजा अभी भी खुला है कि अगर वो तोबा कर लेलाता और नमाज़ को कायम कर लें आत जक़ात और ज़क़ात अदा कर लें या जैसा कि कल पिछली पिछले मजलिस में भी हमने देखा कि तोबा का दरवाज़ा जो है वो खुला है जब तक इंसान जो है उसके ऊपर नरगे की कैफियत तारी नहीं हो जाती या जब तक क्यामत कायम नहीं हो जाती क्यामत का लाने तबल जो है वो नहीं बच जा जाता बहरहाल द, थ, हाँ तोबा उनके लिए तोबा का दरवाजा अभी भी खुला है अगर वो तोबा कर लें सिर्फ तोबा नहीं करनी जाहिर सिर्फ सिर्फ जहरी तौर पर ईमान नहीं लेकर आना तोबा करके बल्कि वह अकाम व नमाज भी कायम करें वादा और जक़त भी अदा करें अगर वो तोबा कर लें नमाज कायम करें तो और जकआत अदा करें फाइव फिद्दीन तो फिर वो तुम्हारे बाई हैं तुम्हारे दीन में फिर वो तुम्हारे दीन में तुम्हारे बाई हैं फिर उनके साथ भाइयों वाला मामला करना है फिर उनके साथ दुश्मनी वाले वाला माम, मामला नहीं है वह नफसिल आयाति और हम खोल खोल कर बयान करते हैं आयात को या अलामूल उन लोगों के लिए जो को जो वो सब इल्म रखते हैं आप ये सारी बातें तो उनको पहले बता दी गई सारी बातें उनके इल्म में अल्लाह ताला ले आए और नबी केसल्लम ने उनके ऊपर वादे भी कर दिया तो ये फादी आयात जो है वो खोल खोल कर अल्लाह ताला बयान करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास इल्म है या जो इल रखते हैं या कुछ सोच समझ रखते हैं वहां इन नकसु और अगर वो सब तोड़ दें आई माना हूँ अपनी कस्में अगर वो सब अपनी कस्में तोड़ दें देंबादी अपने वादे के बाद अपने अहद करने के बाद वी फी दुम और वो तान करें तुम्हारे दीन में अगर वो अपनी कस्में जो है उनको तोड़ दें और तुम्हारे दीन में तान करें यानी तुम्हारा तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाएं और तुम और तुम्हें टॉन्ट करें या तुम्हें मुख्तलिफ तरीके से तंग करें तुम्हारे दीन के मामला में भी या उसका मजाक उड़ाएं हंसी मजाक करें उसका तो फिर अगर वो अपनी कस्में तोड़ दें और दीन के मामले में कोई हंसी मजाक करें या तान करें तो तो फिर तो तुम सब जंग करो कुफर के सरदारों से अब यहां पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ़कतलु कुफर तो तुम सब जंग करो कुफर के सरदारों से कुफर के सरदारों से जंग करो इन्ना बेशक वो ला लाई माना नहीं है कोई कस्मे उन, उनके लिए ला हुं हुं, शायद के वो बाद आ जाएं अगर वो बदहसी करें वादों को तोड़ें और दीन में तान करें तो तुम कुफर के अमामों से या कुफर के सरदारों से जंग करो क्योंकि उनकी कोई कस्में नहीं है क्योंकि उनके नजदीक कस्मों की कोई अहमियत नहीं है अब उनके खिलाफ तुम जंग करो शायद के वो बाद आ जाएं अब देखें यहाँ पर जो जंग का ऐलान जो किया गया दोबारा से ये है आयमत कुफर कुफर के सरदारों या कुफर के अमामों कुफर के अमामों का क्या है कि एक तो ये है कि ये कुरैश के लिए है क्योंकि कुरैश जो है वो खाना काबा या बैतुल, बैतुल हराम जो है हराम उसके मतवली जो है वो वो भी उन्हीं से और उसके अलावा मक्का के जो बड़े सरदार हैं वो उनका तल्क ज्यादातर कुरैश के साथ ही था और वो बाकी जो आम या आम पब्लिक है मक्का थी मक्का की वो तो उनके जेर असर थी उनके तबे थी लें या उनके असर रसूख में थी वो जिस तरफ भी जाते थे उन्हीं के हुक्म के तहत या उन्हीं के उन्हीं की सरकरदगी में या उन्हीं की लीडरशिप में दूसरे जो लोग थे आम लोग जो हैं वो आगे चलते थे या अपने मामला रखते थे तो यहाँ पर क्या कि कहा गया कि जो कुफर के सरदार हैं जो आगे आगे जो लीडर्स हैं उनके उनके खिलाफ जंग करो उनके खिलाफ मैदान जंग में निकलाओ, क्योंकि वही लोग हैं जो ज्यादा असर और रसूख वाले हैं अगर उन लोगों को काबू कर लिया जाए और उन उन लोगों के ऊपर अगर गलबा आ जाए तो फिर ये निचले तबके के जो लोग हैं या आम जो मक्का के जो रिहायशी हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो दीन भी कबूल कर लें अक्सर तो उनमें से ऐसा ही था कि वो डर की वजह से या अपने जो सरदार हैं उन्हीं के जेर असर होने की वजह से वो ईमान नहीं कबूल करते थे या इस्लाम की तरफ नहीं आते थे तो यहाँ पर किया कहा गया कि कुफर के अमामों से कुफर के सरदारों से जंग करो क्योंकि उनके नजदीक कोई कस्मे जो हैं उनकी कोई अहमियत नहीं उनकी कोई पास नहीं लाह ला शायद के वो बाद आ जाए शायद के वो बाद आ जाए कुफर के इमामों को जब तुम गलबे में ले आओगे तो हो सकता है कि वो सब यानी कुफर के अमाम भी यानी सरदार भी वो भी और उससे निचले तबका जो है हो सकता है कि वो भी कुछ समझ बूझ आ जाए वो भी बाद आ जाए वो भी तोबा कर लें और ईमान ले आए अल्लाह कौमन क्या तुम नहीं लड़ोगे उस कौम के उस कौम से नई माना जिन सब ने तोड़ दी अपनी कस्में क्या सब उस कौम के साथ नहीं लड़ोगे जिन्होंने तुम्हारे तुम्हारे साथ की हुई सारी कस्में जो हैं सारे वादे जो है वो तोड़ दिए वह भी अखराज रसूली और उन सब ने इरादा किया निकालने का रसूल को वसल्लम और, और रसूल को निकालने का इरादा किया नबी वसल्लम को बस्ती से मक्का से निकालने के लिए उन्होंने भरपूर इकदाम किए ये हिजरत मदीना के वक्त की बात है जब जिस दिन नबी अलैहि सल्लम ने हिजरत की तो अः का का सब सब कबीलों ने मिलकर एक फैसला किया था एक तदबीर की थी कि क्यों ना नबी की को कतल कर दिया जाए इस तरह से जे जो फितना उठ रहा है ख़त्म हो जाएगा तो लेकिन उस, उसी तदबीर में उनका एक ये भी एक पहलू था या एक भी एक, एक ये भी राय थी कि इनको मुल्क बदर कर दिया जाए जिसके ऊपर इतफाक नहीं किया गया था बहरहाल उनको मजबूर किया गया कि वो मदीना की तरफ हिजरत करें तो क्या तुम ऐसी कौम के खिलाफ जंग नहीं करोगे जिन्होंने अपनी कस्में तोड़ी बार बार जिन्होंने अपने वादे तोड़े और जिन्होंने नबी रसूल अलैहि वसल्लम को निकालने का इरादा किया निकालने की तदबीरें की अपने बस्ती से या मक्का से वह हम और वो बदाऊक वो हैं जिन सब ने इब्तदा की थी तुम्हारे साथ अब वाला मर पहली मरतबा यानी पहली मरतबा लड़ाई में लड़ाई की इब्तदा की थी यानी वादे नाफरमानी करते हुए वादों की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने पहले इकदाम किए थे लड़ाई के लिए पहले इकदाम किए थे जंग के या उनके इकदाम ऐसे थे जो पहले ही ऐलान जंग करते थे या उन्हीं की तरफ से पहले पेशकदमी होती थी किसी भी किस्म की लड़ाई की किसी भी किसी उनके जंग की या किसी भी किस्म की वादा शिकनी की आता शाह क्या तुम सब डरते हो उनसे अब तुम अब ये यानी ये अब उनको उभारा जा रहा है जंग के लिए या जिहाद के लिए अत हम क्या तुम सब उनसे डरते हो अब उनका किरदार तो ऐसा है अब उनके इस किरदार के बावजूद क्या तुम अब भी उनसे खौफ खाते हो हु? हो बस अल्लाह ज्यादा, ज्यादा हक रखता है ज्यादा हकदार है अंत शव हु तुम उससे डरो अल्लाह ज्यादा हकदार है कि अल्लाह से डरा जाए या उससे डरा जाए इन तुम अगर तुम मोमिन हो अगर तुम ईमान लाने वाले हो अगर तुम सही मानो में मोमिन हो ईमान ले आकर लाए हो तो अल्लाह तो ज्यादा हकदार है तो कि अल्लाह से डरा जाए जार। ना कि उन काफिरों से या उन मशरकों से जिन्होंने तुम्हारे साथ बदहदियाँ की और तुम्हारे रसूल को बस्ती से निकालने के इकदाम किए

अब तुम सब लड़ो उनसे तो अल्लाह ताला उन्हें अजाब देगा तुम्हारे हाथों से और वो रसवा करेगा उन्हें और वो मदद करेगा तुम्हारी उनके खिलाफ यानी ये उनको उभारने के लिए कहा जा रहा है कि तुम सब उनको उनके खिलाफ लड़ो खुलकर लड़ो अल्लाह तुम्हार तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे जरिए से उनको मकलूब करके उनको मगलूब करके तुम्हारे जरिए से वो उन्हें अजाब देगा और उन्हें से उन्हें उन्हें से करेगा और और कर देगा और फिर वो व यशूर कौमिन मोमिन और वो कौमिन मोमिन कौम के सीनू को शिफा भी देगा यानी मोमिन कौम जो जो पिछले कई सालों से सत्रह अठारह सालों से पिस्ती आ रही है और बहुत तरह के उन्होंने मजालम सहे और बहुत तरह से उन्होंने तकलीफें सही अब जब वो काफरों के ऊपर गलबा पालेंगे तो उनके दिलों को कुछ सुकून मिलेगा उनके दिलों को कुछ तस्त, तसली होगी वो शिफा याब होंगे उनके सीनों में जो आग लगी हुई है जो जो उन्होंने इकदाम किए हैं उन उनमे कुछ वो आग ठंडी होगी उनके सीनों को कुछ जिल कुछ जिला बख्शेगा अल्लाह तला मोमिन के मोमिन कौम के सीनों को, को। वह युजहबहुम व युजहब और वो दूर करेगा ग़ैज़ा कुलूबिहिम उनके दिलों के ग़ज़ब को उनके दिलों के गुस्से को उनके दिलों में जो गुस्सा है इससे उनका गुस्सा जो है वो भी दूर हो जाएगा वह यतूब व यतूबुल्लाहु यतूबु और रुजू फरमाता है अल्लाह अला उस पर मै यशाऊ जिसे वो चाहता है जिसे वो चाहता है अल्लाह ताला उसकी तरफ रज़ू फरमाता है वल्ला हकीम और अल्लाह ताला खूब हिकमत वाला है और यहाँ पर दोबारा आ गया कि उनमें से अगर फिर भी कोई अल्लाह की तरफ रज़ू कर ले तो अल्लाह ताला तो उस पर रजू फरमाता है जिसे वो चाहता है फिर उसे वो बख्श भी देता है और उसे और उसके लिए रस्ते भी खोल देता है और अल्लाह तला जो है वो खूब हमत वाला और रखने वाला है अम हसीब तुम क्या तुम सब ने गुमान कर लिया है अंत रखू के तुम सब छोड़ दिए जाओगे क्या तुमने सब गुमान कर लिया है कि तुम सब छोड़ दिए जाओगे वलम्मा या इल्लाहु और अभी तक नहीं मालूम किया यहाँ अभी तक नहीं मालूम किया अल्लाह ने अल्लाह जीना उन लोगों को जादू जिन सब ने जिहाद किया मिनकुम तुम में से वमय और तुम में से और नहीं है उन सब ने उन सब ने बताया बनाया अल्लाह के सवा वला रसूल ही और उसके रसूल के अल्लाह और उसके रसूल के उन्होंने नहीं बनाया और ना सब मोमनू के स्वा वली जा, कोई दोस्त या कोई वली क्या तुमने गुमान कर लिया है कि तुम सब छोड़ दिया जाओगे हालांकि अभी तक अल्लाह ने मालूम नहीं किया उन लोगों के जिन सब ने जिहाद किया तुम में से और उनमें से और उन्होंने नहीं बनाया अल्लाह और उसके रसूल और के अलावा किसी को वली या दोस्त इस तरह की आयात हमने पहले भी पढ़ी थी जो बहुत ही सख्त आयात थी पहले आयात कुछ इस तरह से थी कि क्या तुमने गुमान कर लिया है कि तुम ऐसे ही तुम कामयाब हो जाओगे हालांकि अल्लाह ताला ने नहीं जान लिया तुम में से किसने जिहाद किया सही मानो अल्लाह के रस्ते में तो यहाँ पर भी इसी तरह से मिलती जुलती आयात है कि अभी तक तो तुम्हारे ऊपर इतनी आजमाइश नहीं आई क्यों क्या तुम तुम इसी तरह से गुमान कर, कर रहे हो के बगैर जंग के या बगैर तुम जिहाद किए बगैर तुम अल्लाह के रस्ते में अपनी जान को कुर्बान किए ही कामयाब हो जाओगे छोड़ दिया जाओगे या जन्नत के हकदार ठहर जाओगे हालांकि वलम या हालाँकि अल्लाह ने मालूम नहीं किया अल्लाह ने मालूम नहीं किया हमने ये भी पहले जिक्र किया था एक दफा आपकी याद दहानी के लिए कि अल्लाह ने मालूम नहीं किया कि यह मतलब नहीं कि अल्लाह अल्लाह के के इल्म नहीं आया बल्कि अल्लाह को तो हर चीज सब पहले से ही मालूम है इल्म की दो दो चीजें होती हैं किसी के पास को इल्म है वो दो चीजें हैं एक तो उसने इल्म हासिल किया और दूसरा अपने इल्म को जाहिर किया अगर किसी कोई ग्रेजुएशन है या किसी के पास किसी किस्म की इंफॉर्मेशन है कोई को, को, कोई आलिम है या कोई जब तक वो अपने इल्म का जहूर या अपने इल्म का इजहार दूसरों के सामने नहीं करेगा दूसरों को नहीं पता चलेगा कि इसके पास कोई इल्म है या इसके पास कोई मालूम भी हैं तो अल्लाह तला के कोई मालू, मालूम नहीं किया कि मतलब कि अल्लाह तला ने अपने इल्म का इजहार नहीं किया अल्लाह तला ने यह दूसरों को नहीं बताया कि उसको पता है कि कौन से लोग ऐसे हैं और कौन से लोग ऐसे हैं यानी अल्लाह तला ने इल्म का इजहार नहीं किया तो क्या तुमने गुम अभी तक क्या तुम गुमान कर रहे हो कि तुम ऐसे ही बख्श दिया जाओगे या ऐसे ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा जबकि अल्लाह ताला ने अभी ये वादे नहीं किया या अल्लाह ताला ने अभी मालूम ऐसा नहीं किया उन लोगों को जिन सब ने जिहाद किया यानी जिनके ऊपर आजमाइशें आई सही मानों में जिन्होंने अल्लाह से आगे अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया और और अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनु के अलावा किसी को दोस्त नहीं कर दाना यानी उनके नज़दीक ऐसे लोग जो है अपने ईमान और तकवा में इतने आगे बढ़ चुके कि उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनु के अलावा कोई वली और दोस्त नहीं यानी उन्होंने सिर्फ अपने अल्लाह और उसके रसूल और मोमनों को वली और दोस्त गिरदाना और उन्हीं के उन्हीं के दोस्त समझते हुए उन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया सही मानों में जब तक उन लोगों का मामला अल्लाह ताला खोल कर नहीं रख सकता या जब तक तुम में से ऐसे लोगों को सामने नहीं ले आता तब तक तुम ये गुमान मत करो कि तुम छोड़ दिया जाओगे या तुम्हारे लिए अल्लाह ताला जन्नत जो है वो रख देगा या तुम कामयाब लोगों में आ जाओगे वल्ला खबीर उम बता आमाल और अल्लाह ताला खूब खबरदार है उससे जो तुम अमल करते हैं जो तुम तुम अमल करते हो चाहे छुप कर करो चाहे ज़ाहरी तौर पर करो अल्लाह ताला, ताला उससे खूब खबरदार है और खूब उसका इल्म रखने वाला है मल नलागलमुबीन जी अब अगर किसी को कोई पॉइंट एड करना है तो अब कर सकते हैं इनशाला जी एक तो ये है कि हमने क्लास का वक्त जो है वो पंद्रह मिनट पीछे किया है गालिबा कुछ लोगों ने नोट नहीं किया होगा बहरहाल कोशिश करेंगे कि कल से हम आ, उसी वक्त पे शुरू करें क्योंकि नमाज का वक्त भी पीछे जा रहा है और दोहा में यहाँ पर कुछ ऑफिस तैयारी वगैरह और दूसरे हाँ इवन पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है कि साढ़े सात आठ बजे तक अ, मतलब अक्सर दफ्तर वगैरह में या कामों पे जाते हैं तो वहाँ पर भी बाहर एक तो ये है और दूसरा एक छोटा सा पैगाम है शाबान जो है वो शुरू हो जाता हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला हमें हिम्मत तोफीक दे हमें हमारे नसीब में करे कि कर रमज़ान भी हम ये देखें तो शाबान जो क्योंकि रमज़ान की तैयारी का ही महीना है तो उस सिलसिले में एक छोटा सा एक पैगाम यही था शफीक साहब अगर फ्री हैं तो वो भी बाद में उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो करेंगे तो शाबान के महीने में रमज़ान की तैयारी जो है उसको अफजलियत दें इसमें दो तीन पहलू जो हैं वो ज़रूर मद्देनजर रखें एक रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करना है रमज़ान के लिए रमज़ान के रोज़े को की प्रैक्टिस करने के लिए शाबान जो है बेहतरीन महीना है कि उसमें कुछ रोज़े जो हैं वो रखे जाएँ रोज़ों को अहतमाम किया जाए उसमें जो अफजल रोज़े हैं उनको तो ज़रूर कोशिश करें रखने की और अफजल रोज़ों में एक जु... एक सोमवार का पीर का रोज़ा और जुमेरात का रोज़ा और उसके अलावा जो अयाम बीद हैं अयाम बीद यानी तेरह चौदह और पंद्रह अः जो तारीख है हिजरी कैलेंडर की हिजरी महीने की तेरह चौदह पंद्रह और उसके अलावा सोमवार और जुमेरात का रोज़ा और उसके अलावा ज्यादा कसरत से रोजे रखें नबी की सलम जो है वो रमज़ान के अलावा सबसे ज्यादा रोजे कसर से रोजे जो हैं वो शाबान में ही रखते थे और कुछ अहदीस से पता चलता है कि तकरीबन पूरा महीना आ, पूरा महीना नहीं है तकरीबन पूरा महीना क्योंकि उसमें आखिरी आखिरी दिन जो है उसमें रोजा रखने से की कोई अहमियत या उसमें कोई उससे कहने के एराज कर, करना चाहिए आखिरी शाबान का रोजा यानी उनतीस और तीस, तीस आमतौर पर होती है उसके अलावा जितने ज़्यादा रोजे रख सकें वो रखने चाहिए या कम अज कम ये जो फजीलत के रोजे हैं ये जरूर रखें एक तो यह है कि रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करें इस इंसान जो है रूहानी तौर पर त्यार हो जाएगा उसके जहन में बैठेगा रोजा की तैयारी हो जाएगी और देखें पहले रमजान रमज़ान के शुरू होते ही ये इंसान जो है वो भूल जाता है पहले दूसरे तीसरे चौथे शुरू के कुछ रोजों में रोजा रखा हुआ ही भूल गया कुछ खा पी लिया लेकिन अगर रोजी रोजे की तैयारी पहले से है तो इस तरह से मामला में है वो इनशल्ला ज़रूर काबू पा लेगा उसके अलावा अपने जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनके उनके मामला जो हैं उनकी भी तैयारी शाबान में ही करें अक्सर हमारे यहाँ दावतें होती हैं रमजान में वो दावतें अव्वल तो बहुत कम होनी चाहिए और अगर करें भी इफ्तारी वगैरह की तो उसमें इफतारी का ही मकसद होना चाहिए ये ना कि खाने पीने का क्योंकि अक्सर खवीन के लिए ये मसला होता है कि तैयारी में फिर वो सारा सारा दिन उनका निकल जाता है तो एक तो ये एहतमाम करें कि तो सिर्फ रमज़ान के अगर कोई अफतारी वगैरह का प्रोग्राम करना है तो सिर्फ अफतारी का या बल्कि इस तरह का हो कि उसमें आप तैयारी कर सकें मतलब रमज़ान का कुछ दर्श वगैरह दें और ना कि वक्त ज़्यादा हो बाकी मामला में और उसके अलावा अपना राशन वगैरह जो है लेना है या खुवात जो है वो घरों में कुछ चीज़ें तैयार करके रख सकती हैं रेफ्रीजरेट वगैरह कर सकती हैं जो रमज़ान में अगर वो अफ्तारी की तैयारी वगैरह कर रही हैं तो उसमें उनके वक्त जो है बच सके और रमज़ान का वक्त जो है वो रमज़ान में इधर उधर कपाने के बजाय वो वो अल्लाह के लिए अल्लाह के, अल्ला के कलाम के लिए या अल्लाह की याद के लिए सर्फ करें और भी इस तरह के बहुत सारे मामला हैं बे यकीन हम इस मुख्तसर वक्त में उसका जिक्र करना सारा इहाता करना मुमकिन नहीं है उसके अलावा मैंने ये भी नोट किया हमने यकीन नोट किया कि कुछ लोग जो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में हैं, अल्लाह सब को शिफा कामला अता फरमाए अल्लाह ताला हमें सब बीमारियों से महफूज रखे फिर भी हमने देखा है खासकर बुजुर्ग अफराद जो हैं और वो अफराद जिनके जिनको कुछ ऐसी बीमारियाँ है हैं जिनको लाइफ लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट डिजीजे कहते हैं जिनका तल्ल जो लाइफ स्टाइल से है जैसे जिसमें ब्लड प्रेशर वगैरह या ये डायबिटिक शुगर वगैरह के जो मामला हैं या इस तरह के जिसमें उनको दवाई की मकदार या दवाई की टाइमिंग जो है उसको एडजस्ट करनी है अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से तो लाइफ स्टाइल लाइफ लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट डिजीजे हैं वो वो लोग जो हैं वो अक्सर देखा है कि रमजान के रोजे जब मिस होते हैं तो वो बड़ा गमगीन होते हैं मैंने अपने अबू को देखा है कि वो बहुत ही ज्यादा गमगीन होते थे और वो मिस करते थे और कैसे उन्होंने सख्ती से रोजे रखते थे और फिर मजबूरी में कुछ दफा उनको रोजा जो है वो इफ्तार कराना पड़ता था तो ऐसे लोगों से गुजारिश है जो भी आपके मिले उनको मशवरा दें कि आपने डॉक्टर से खुद से नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने जो भी उनका डॉक्टर है उससे मशवरा करके अपनी जो दवाई है उसकी मकदार और उसकी टाइमिंग जो है उस तरह से एडजस्ट कर लें कि रमज़ान का जो दिन का जो वक्त है उसमें वो इस हो सकता है अल्लाह ताला उनको तफीक तो दे दे कि वो इस काबिल रहें कि वो अपने रोज़े को पूरे पूरा कर सकें और इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं उसके अलावा अगर किसी को कोई पॉइंट इसमें ऐड करना है तो वो कर लें तो ज़रूर शाबान का महीना जो है उसको रमजान की तैयारी के लिए सर्फ करें बहुत सारे पॉइंट्स जो है इसमें आप खुद भी ऐड कर सकते हैं अलहद मेरा मकसद तो एक याद हानि के लिए था जजाकन <स्थाथ> जी ठीक है अगर कोई पॉइंट नहीं है आपके पास तो इन कल अगले प्रोग्राम के लिए हाजिर होंगे शफीक साहब शायद बिजी हैं इसलिए वो नहीं आ सकते तो शफीक साहब इस वक्त जॉब पे होते हैं एक्चुअली और वहाँ से वक्त निकाल कर हम मेरे साथ ज्वाइन होते हैं तो जी अलिकम वरमकू वरि वाशा आपने मैंने मेरा भी मकसद यही था कि शाहबान के, के हवाले से हम लोग कुछ बात कर सकें तो बस बहुत सारी बातें हैं लेकिन इनशाला कल या परसों इनशा वो रमजान के हवाले हाँ से हम लोग थोड़ी थोड़ी ये क्या नाम है तफसीर के बाद आखिर में जब आप कहती हैं ना कि कुछ कुछ ऐड करना है तो रमजान की तैयारी के हवाले हाँ से ही अब कुछ एक दो एक दो हदीस जो हैं वो यानी चलती रहेंगी ऐसे ठीक है जब तक रमजान शुरू ना हो जाए ठीक है तो इसमें आज जो मेरी मेरे पास जो बात थी वो है नीयत के बारे में ठीक है नीयत के बारे में तो आ, नफली रोजे की नीयत है जो वो आप आपके के आ, बाद यानी के आ, आ, बाद में भी रख सकते हैं फर्जी रोजे की जो नीयत है वो फर्ज रोजे रखने से पहले जरूरी है वो बहुत ही जरूरी है एक दफ़ा नहीं घर आए तशीलाए तो कहने लगे कि कुछ है खाने को तो हज़ार आशा जब कहने लगी नहीं मेरा आज रोजा है ठीक है तो फराइज की जो रोज़े हैं वो मिले नहीं के इनकी रात से ही आपकी नीयत होनी चाहिए बरअल इसके मामले में इसके बात करेंगे इन शीयत के बारे में तो हमें चाहिए कि अभी से ये नीयत कर लें कि अल्लाह मैंने रमजान आने वाला मैंने रोजे रखने हैं इन नो बिन तो इसमें देखे इंसान है वो बीमार हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो लेकिन वो जब अल्लाह के यहाँ जाएगा तो किस नीयत से जाएगा रोजे बने रखने है सही इसकी यानि के नीयत के हवाले से रोजे के हवाले से जो आ, आ, क्या नाम है इसके हदीस हजीज इसके बारे में है इन छोटी छोटी करके हम लोग भी। भी जी ये जो हम रेगुलर सबक पढ़े हैं कुरान मजीद का तो उसको थोड़ा सा कम करके तो आखिरी थोड़ा सा वक्त जो है को दस मिनट वो उसके लिए सर्व करेंगे तो किसी को भी कोई पॉइंट एड करना है बल्कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें एक दूसरे के लिए इंफॉर्मेशन जो जाहिर निकलती है हर एक के बारे में हर एक के महन में हर पॉइंट तो नहीं होता तो आप भी शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह तो कल तक कुछ दिन के लिए हम देखेंगे रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में फिर आखिर शाबान में हम एक एक आद क्लास जो है ना वो सिर्फ रमज़ान के लिए ही बेशक मुख्तस कर देंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह तला हमें हिम्मत और तो तौफीक दे दीजिए शफीक साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं तो इसमें सबसे गुजारिश है कि किसी को कुछ पूछना है कुछ सवाल है तो आप सवाल करेंगे तो हमारे इलम में भी इजाफा होगा और और बाकी में भी इजाफा होगा तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज होगा हम सबके लिए जी बिल्कुल बिल्कुल और अगर कोई सवाल ऐसा है जिसका हमें पता नहीं है तो हम इंशाल्लाह चलो कोशिश भी कर सकते हैं उसका फौरी तौर पर नहीं तो बाद में उसका जवाब देने की तो जरूर इनशा <laughs> जी ठीक है ठीक इस... है ठीक है फिर इजाज़त चाहते हैं इसके साथ ही अल्लाह ताला हमारा हामियों नासिर हो अल्लाह ताला हमें इस्तकामत नसीब करे और हमने जो बातें की हैं वो सिर्फ मुँह जबानी ही ना हो जिस तरह के अभी हमने आयत में भी वो पढ़ा बल्कि वो सही हमारे दिलों में भी घर कर दें और हमें अपनी असलाह भी इससे मिले और हम अपने साथियों को भी आप इस असलाह में शामिल कर सकें

جزاكم الله خيرًا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.